अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर विच इज़ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले है IL यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। मिसकंसेप्शन इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में ये है कि ये वो ज़ुबान है जिसके बोलने वाले बहुत से हों। ये रॉन्ग है हमारा कंसेप्शन इसके बारे में। करेक्शन इसकी क्या है कि ये वो चीज़ या ये वो ज़ुबान है या ये वो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो बाकी कम्युनिकेशन के पर्पस को, उसकी ज़रूरियात को पूरा करती है। इसके बारे में हम अगर ये कहें कि इट मस्ट बिलोंग टू दोस, ये उन लोगों से बिलोंग करती जो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लिंक्ड है हमारे कंट्री के साथ, हमारे कल्चर के साथ। जितना ये ज़्यादा दूसरे ममालिक से या दूसरे कंट्री से लिंक करेगी हमारी ज़ुबान, जो भी है, वो उर्दू है, वो इंग्लिश है, वो जो भी ज़ुबान है, स्पेनिश है, हिंदी है, वो जितनी दूसरे लोग दूसरे ममालिक में वो यूज़ होगी, उसकी कल्चर और उसका लैंग्वेज का रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये एक्चुअली जो है ये इसके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, कल्चर के और लैंग्वेज के रिलेशन को, जो IL है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज की कि ये बहुत से मुख्तलिफ नेशनलिटी होल्डर्स, मुख्तलिफ ज़ुबान, मुख्तलिफ लोग इसको बोलते हों, ये वहाँ के लोगों की कल्चर जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी करती हो। इसका कोई नेशनलिटी नहीं होती, IL की कोई नेशनलिटी नहीं होती। ये उस हमारे हमारे आइडियाज़ को, हमारे कल्चर को पूरा करे उन दूसरे ममालिक तक। ये बस कुछ लोगों से नहीं बोली जाती, बल्कि ये उनकी ज़रूरियात भी पूरी करती है जो उसको एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कैचरू का 3 कंसेंट्रिक मॉडल दिया हुआ है। उसके बाद नेटिव और नॉन नेटिव डिवाइड किए हुए हैं पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज को और प्रैक्टिसेस को। नेटिव स्पीकर वो है जो एक, जैसे हम उर्दू हमारी नेटिव ज़ुबान है, हम उसको सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं राइट फ्रॉम आवर बर्थ, अपनी पैदाइश से। इंग्लिश जो है वो हमारी नॉन नेटिव स्पीकर है, इसको अपनी एडल्ट में आके या थोड़ी सी एज बड़ी होके खुद तब सीखती हैं। इसके बाद कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। इंग्लिश एंड इट्स नॉन नेटिव यूजर्स, इंग्लिश एज एन लिंगुआ फ्रांसा एंड इट्स यूजर, यानी इंग्लिश के साथ इंग्लिश हमारी उर्दू के बरक्स क्या है और उसके इस्तेमाल क्या है, उसके इस्तेमाल करने वाले कौन है, कितने हैं, ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद उसके फ्लुएंसली है, उसको कितनी तेज़ी से बोला जाता है, उसकी अदायगी क्या है और क्रिएटिव कम्युनिकेटिव रेंज है इसकी। नेटिव और नॉन नेटिव डिबेट है इसमें, वो बता रहा है कि ELT में जब हम प्रेफर करते हैं वेस्टर्न टीचर्स को, ELT जब भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जब हम पढ़ाते हैं या हम किसी को हायर करते हैं, तो हम किसको तरजीह देते हैं, वेस्टर्न टीचर्स को, कि वो आके हमें जो है इंग्लिश पढ़ाएं या कोई भी ज़ुबान। नेटिव स्पीकरिज्म जो है वो एक डोमिनेंट है हर दूसरे ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर वो तरजीह देते हैं कि इंग्लिश जो वो पढ़ाई जाए वो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हों, बजाय कि वो पाकिस्तानी हों या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हों, क्योंकि वो तरजीह देते हैं उन्हें और वो उससे ही इंग्लिश पढ़वाना जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं उनसे। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, TESOL से मुराद है, उसमें भी इंग्लिश जो है वो डेवलप हुई है, निगोशिएट हुई है, रादर देन ये ऊपर से इम्पोज है, बल्कि उसको उन्होंने लैंग्वेज को IL को समझा है, पढ़ा है, रादर देन कि वो कोई ऊपर से कोई सुपर नेचुरल चीज़ है और जो उनके ऊपर नाजिल की गई है। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड आइडेंटिटीज़। जहाँ तक नेटिव और नॉन नेटिव सेपरेशन का ताल्लुक है, उसमें ये है कि EIL जो है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम ज़्यादा फोकस करते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को, उनकी ज़्यादा वो टीचर ज़्यादा अथेंटिक माने जाते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। लेकिन विडोसन का ये मानना है, वो इस बारे में कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड कैपेसिटीज ऑफ टीचर, लेकिन उसके बावजूद भी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स जो हैं
उनको ज़्यादा एडवांटेज है, उनके ज़्यादा फ़ायदे हैं उन उन क्योंकि उनकी मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकती हैं, उनको हर ज़ुबानों पर अबूर है और हम उन्हें ही ज़्यादा फोकस करती हैं। इसके बाद वो कॉमन परसेप्शन बताता है, एटीट्यूड्स बताता है बिटवीन एंड अमंग लैंग्वेज टू यूज़र्स। प्रेफरेंस ज़्यादा हमारी जो दी जाती है वो नेटिव को, स्टैंडर्ड को दी जाती है, यानी जो नेटिव वहाँ के जो बोलने वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे, उनके लहजे होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह उसको ज़ुबान को यूज़ करेंगे। लर्नर्स और इंग्लिश फ्रॉम डिस्टेंट कंटेक्स्ट, दूर दराज से जब इंग्लिश सीखते हैं जैसे हांगकॉन्ग से या इटली से, तो उसको हम रिपब्लिक की तरफ ज़्यादा उनका एक्सेंट अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू लोकल एक्सेंट्स। हांगकॉन्ग के या इटली के जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनकी लैंग्वेज पे ज़्यादा ग्रिप होगी लोकल की बजाय। इसी तरह नॉन नेटिव स्पीकर्स की जो है उनकी आइडेंटिटी इतनी नहीं मानी जाती एज कम्पेयर टू नेटिव स्पीकर्स। पीपल विद एक्सटेंडेड पीरियड अब्रॉड आर यूजली मोर विलिंग टू इंटरेक्ट विद असेंडेड स्पीकर्स। जो दूर दराज के लोग होते हैं वो ज़्यादा विलिंग होती हैं कि वो अपने जो लोकल रहने वाले उनके साथ अपनी बातचीत में कम्युनिकेशन रखें। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं और एक नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं। नॉन नेटिव वो हैं जो मेजोरिटी ऑफ देम आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द NS एज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो NS को अपनी सोर्स ऑफ अथॉरिटी समझते हैं, जो नेटिव जो इंग्लिश स्पीकिंग को अपना अथॉरिटी समझते हैं और वो फॉलो नहीं करते नेटिव टीचर्स की, जो इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव टीचर्स हैं उनकी अथॉरिटी को वो कंसिडर नहीं करते और ना ही वो उनकी कोई जो है एडवाइस देते हैं, बल्कि वो अपने वर्ड्स को फाइनल समझते हैं। इसके बाद नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं, ये वो लोग हैं जो अथॉरिटी तो समझते हैं लेकिन वो रिलाय करते हैं अपनी ऑन जजमेंट पर और वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट होते हैं, वो किसी स्ट्रेस के नीचे नहीं होते, वो अथॉरिटी को नहीं मानते, उनका एटीट्यूड दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। NNESTS suffers from a severe self-confidence problem which at a time is translated as a fear of students catching them in fault। जो एक फियर होता है उनके अंदर, उसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं लेकिन वो इस कंजक्शन से गुजरते हैं कि उसको कैसे पास आउट करें। EIL एंड इंग्लिश एंड टीचर एजुकेशन गैप्स एंड चैलेंजेस। अब इसको बताएगा कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज को गैप्स और चैलेंजेस क्या हैं। जो NNESTS टीचर्स हैं वो जो लैंग्वेज का सेंटर विजन है ना उससे बहुत दूर है, वो उसको नहीं समझ पाते। उन्होंने अगर इंग्लिश वो पढ़ाती हैं तो वो सिर्फ एक सतही लेसन दे पाती हैं, उसका इस्तेमाल बताती हैं, लेकिन जो नेटिव यहाँ पर हैं टीचर्स वो उसकी बेसिक्स को समझती हैं, वो ज़ुबान से चूँकि बेसिकली जुड़े होते हैं तो वो उसके हर उतार चढ़ाव के बारे में जानती हैं। जो NNESTS टीचर्स होते हैं, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं, उनके अंदर एक फियर पाया जाता है, एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया जाता है, जो वही चीज़ वो अपने स्टूडेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि वो ज़ुबान पर इतनी इस तरह से इसकी अप्रोच को और उसकी बेसिक्स को, उसके सेंटर को नहीं समझ पाते और वही जो फियर है उनमें पाया जाता है वो अपने स्टूडेंट में वो ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ये मेयर डिस्क्रिप्शन से जो इस्टेब्लिश जो मौजूद थेरीज हैं, जो ख्यालात हैं तेरे, उनसे ये बहुत दूर है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से। इसकी EIL की इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज की ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये टीचर्स को, टीचर्स में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती है, उनमें इंटरेस्ट पैदा करती है, उनको नए पर्सपेक्टिव उजागर करती है, उनको नए चैलेंजेस से ओपन अप करती है। ये उनको इस काबिल टीचर्स को करती है कि वो आगे नई से नई चीज़ों को ईजाद करें, नए नए पर्सपेक्टिव दें, ख्यालात दें, वर्ल्ड व्यू दें। इसके अलावा अदर आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स उसके यहाँ ये डिस्कस करती है, इश्यूज जो क्लास में हैं, कॉम्प्लेक्स वेज में हैं। इसके बाद जॉब से कंसर्न जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो नए टीचर्स को जितनी भी पैडागॉजीज हैं इससे रिलेटेड हैं,
और इंटरनेशनल टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड साइज है उसके बारे में, स्टैंडर्ड टेस्ट का जो तरीका है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। अगर टीचर्स इन चीज़ों को फॉलो करें तो वो एक राइटफुल और पावरफुल फ्री यूज़र बन सकती हैं, एंड टीचर्स ऑफ EIL इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज के वो बहुत अच्छे टीचर बन सकती हैं, अगर उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करें, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज यूजेज को एक्सपीरियंस करें, रिफ्लेक्ट करें, परसीव करें। स्कोप जो है ऑफ EIL का इमर्जिंग थीम जो आने वाले हैं उनमें है कि रिसर्चर्स, टीचर्स, लर्नर, ये सब के लिए नए आइडियाज़ देगी, उनको इंडिविजुअली कलेक्टिवली उनकी ज़िंदगियों पर फोकस करेगी, उनको ब्रॉडिंग करेगी, उनके आइडियाज़ को एनहांस करेगी, और इससे और टीचर्स की और स्टूडेंट्स की और लर्नर की ग्रिप बढ़ती जाएगी। वो इसको हमने बहुत से लेबल दिए हैं, इसके लिए सजेस्ट हो चुके हैं, जिसमें वर्ड स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश है, इंटरनेशनल का लफ्ज़ है और ग्लोबल इंग्लिश का लफ्ज़ है जो इसके लिए हम यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा वही यही बातें कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट सेंसिटिव व्यू ऑफ प्रैग्मेटिक्स, मोर अटेंशन इज नीडेड फॉर द टीचिंग ऑफ प्रैग्मेटिक्स इन EIL क्लासरूम। क्लासरूम में हमें इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, उसको नए से नए तरीकों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, जो दिस वुड रिकगनाइज द हाई डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न इंट्रैक्शन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश को बड़े पैमाने तक इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाएगी और बच्चों को वो अच्छे तरह से सीख सकेंगे। कल्चरल कंसेप्चुलाइजेशन भी इसकी एनहांस होगी जब इसके कम्युनिकेटिव लिंक्स ज़्यादा हो जाएंगे और ये मज़ीद उससे बात तरक्की करती जाएगी। जज़ाकअल्लाह।